डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्रैडिस एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 1, ठीक है। अभी तक हमने दो जो चैप्टर्स थे, फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो दोनों चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए है। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कंसेप्ट, इन सब पर हम आज बात करेंगे, इन सब को आज हम समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट्स, ये सब चीजें हम कवर करके एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहले आज हम सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम फर्दर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। चलो, If you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only at ₹9,999. वैसे तो उसका yearly actual price है 30,000 from class KG to class 10th, but ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में, and same with class 11th and 12th also. Class 11th and 12th का भी जो yearly subscription है वो 30,000 का है, but ये अभी available है 9,999 में, और आपको ये offer price access करने के लिए you need to use this coupon code. And if you purchase a paid subscription of Pradis, then we offer you the classroom videos, 3D videos, lecture videos, smartboard videos, recent live lectures, हर तरीके की videos मिलेंगी आपको। इसी के बाद आपका subject wise, syllabus wise content available है, आपके textbook के free solutions, practice test, worksheet, doubt session, these all are the things that Pradis Education offer you if you purchase a paid subscription, ठीक है। चलो, so let's get started with our today's topic, and today's topic is what? Business environment. We are going to see the concept and importance, and in concept we are going to see the definition of business environment and the features of business environment. All right, चलो, so let's get started with our today's class, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इसका meaning देखते हैं, what is the meaning of business environment? Business environment का meaning क्या होता है, मतलब क्या होता है business environment का, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो मतलब है, पहले तो आप लोग, इससे पहले बिजनेस तो ठीक है, बट हम पहले हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट जो टर्म है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस तो चलो आपको पता है, आप जो है 11th क्लास में बिजनेस पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी हम यहाँ पे एनवायरनमेंट देखते हैं। दो अलग अलग टर्म है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पहले हम एनवायरनमेंट को देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, फिर बिजनेस, और फिर हम कंबाइन करके देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्या होता है, हम छोटी क्लासेस में जब हुआ करते थे तो हमको टीचर ईवीएस पढ़ाती थी, ठीक है। हमें कभी, बहुत से बच्चों ने ईवीएस पढ़ ली, बट उन्हें ईवीएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता। ईवीएस मींस एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में ईवीएस पढ़ी हुई है, तो ईवीएस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ योर एनवायरमेंट। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, जस्ट फॉरगेट अबाउट बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। So environment means whatever you are observing around around your surrounding, ठीक है। आपके surrounding, आपके आसपास, आपके immediate surrounding में जो कुछ भी चल रहा होता है, जो कुछ भी x y z humans हैं, आपके यहाँ कोई भी, अगर कोई भी machine है या कुछ भी आपका रखा हुआ है, that all consists of your environment, ठीक है। That means कि आप यहाँ खड़े हो और आपकी environment, आपके surrounding में, मतलब आपकी immediate surrounding में, अगर आप किसी रूम में भी बैठे हुए हो, तो रूम में अगर आप अकेले बैठे हुए हो लेकिन आप मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल इज द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है। आप बेड पर बैठे हो तो बेड इज द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है। आप टीवी देख रहे हो, टीवी इज द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। आप खाना खा रहे हो, खाना इज द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। आपके पास में आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन या आपका फ्रेंड कोई भी बैठा हो, दैट इज ऑल, they also are the part of your environment, मतलब humans हो तो human environment create करते हैं, ठीक है। और अगर materialistic चीजें हैं, materials हैं, तो physical environment create करते हैं, ठीक है। कोई natural resource की चीजें हैं, plant है, animal है, तो वो आपके क्या create करते हैं, natural environment create करते हैं। Basically environment क्या होता है, whatever you are observing around your immediate surrounding, that is your environment। अभी जैसे कि मेरा immediate environment क्या है, स्मार्ट बोर्ड,
क्लासेस, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा इमीडिएट सराउंडिंग है, तो मैं इसको अपना एनवायरमेंट बोल सकती हूँ, ठीक है। अब बात आती है बिजनेस, तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस आप सबको पता ही है, बिजनेस आप पहले से पढ़ते आ रहे, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है रिलेटेड टू द परचेस प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस के, तो अगर हम दोनों टर्म को कंबाइन करते हैं और बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब समझते हैं, तो हमको ये समझ आ रहा है कि बिजनेस के इमीडिएट सराउंडिंग में जो भी चीजें चल रही होती हैं, दैट इज द बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है, समझ आ रहा है, बिजनेस के इमीडिएट सराउंडिंग में, जैसे हमारा इमीडिएट सराउंडिंग होता है, हमारा एनवायरमेंट होता है, लाइक वाइज बिजनेस का इमीडिएट सराउंडिंग होता है, बिजनेस का भी एनवायरमेंट होता है। तो बिजनेस की इमीडिएट सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटीज, जो भी कुछ चल रहा होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। चलो बिजनेस एनवायरमेंट देख लिया कि हमें बिजनेस एनवायरमेंट जो है क्या होता है, बट हम क्यों बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ने की, चलने दो बिजनेस के एनवायरमेंट में सब कुछ चल रहा है, अरे ऐसे कैसे चलने दो, आप लोग बताओ, आप लोगों को छोटी क्लासेस में ईवीएस पढ़ाया जाता था, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया जाता था, आपके सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा होता है एटलीस्ट यू शुड नो, ठीक है, क्यों, बिकॉज आपके एनवायरमेंट का आपका, आप पर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, आपका एनवायरमेंट पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, आपका एनवायरमेंट नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, अगर आपका एनवायरमेंट हॉट है तो आपको गर्मी लगेगी, अगर आपका एनवायरमेंट कोल्ड है तो आपको ठंडी लगेगी, ठीक है, तो आपका एनवायरमेंट का इंपैक्ट आप पर होता है, आपकी पर्सनैलिटी पे होता है, आप बचपन से जैसे एनवायरमेंट पे पलते हैं, नर्चरिंग होती है आपकी, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है, इसलिए आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया जाता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आप पर होने वाला है। तो ऐसे ही हमारा बेटा बिजनेस है, बिजनेस को भी उसके आसपास क्या चल रहा होता है पता होना चाहिए, क्यों, मतलब क्योंकि बिजनेस की परफॉर्मेंस पर आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास के एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स है, बिजनेस की परफॉर्मेंस पर क्या डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को जो है मतलब बोल सकते हो आपके चैलेंज करते हैं, और बिजनेस की ग्रोथ लॉस ये सब कुछ उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहे, आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता हो कि बिजनेस के आसपास क्या चल रहा है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर, यू कैन एंटिसिपेट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दोज एनवायरनमेंट एंड यू कैन प्रिपेयर अ रेडी स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है। इसलिए क्या करना है, हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। चलो अब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब तो ऐसे समझ लिया, ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि बिजनेस के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें चलती हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट पर उनके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स आर द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो है एक मार्केट में एग्जिस्ट करता है, मार्केट में होते हैं कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन जो है कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजीज, कॉम्पिटिटर की कोई भी एक्टिविटी का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर होता है, क्यों, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो आपके कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली लॉस आपको होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको बिजनेस एनवायरनमेंट की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके बिजनेस में आने वाले इंपैक्ट आपको एंटिसिपेट कर सको और उसके लिए एक प्लान बना सको, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट का एग्जांपल दे लेते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी मतलब गवर्नमेंट के फैक्टर्स फोर्सेस में बिजनेस एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई, टैक्स पॉलिसी बनाई, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, टैक्स इंक्रीज करने से आपके बिजनेस की इनकम कम हो जाएगी, आपको टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा देना है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही आप टैक्स देते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसका इंपैक्ट भी आपके बिजनेस पर हो रहा है, ठीक है। आपका जो बिजनेस है वो एक मार्केट में एग्जिस्ट करता है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस होते हैं, ठीक है, अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, सप्लाई कम होती तो आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। इसलिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की डिटेल स्टडी करनी चाहिए और उनका होने वाले इंपैक्ट को हमारे बिजनेस पर उसको एंटिसिपेट करना चाहिए और उसके लिए
हमें हमारे हम देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं होता है आपका एनवायरनमेंट, बट यू कैन एंटिसिपेट द सिचुएशंस, फ्यूचर सिचुएशन का एंटिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर द प्लान टू फाइट अगेंस्ट इट. ठीक है, चलो. सो अभी हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि अभी हमने देख लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. चलो अब देखते हैं कि डेफिनेशन वाइज या थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. अभी मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सराउंडिंग होता है उसकी इमीडिएट सराउंडिंग, उसके आसपास जो एक्टिविटीज चल रही होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन इज बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बट दीज में इंपैक्ट इट्स परफॉर्मेंस. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, फोर्सेस. फोर्सेस मतलब जैसे कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस हो गए, ये क्या है, ये बिजनेस के आउटसाइड है, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बट बिजनेस पर इनका इंपैक्ट आ सकता है. डिमांड का फोर्स बढ़ गया तो बिजनेस पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, डिमांड का फोर्स कम हो गया तो बिजनेस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, और डिमांड और सप्लाई बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो गई, आपकी टेक्नोलॉजी जो है क्या हो गई, डिग्रेड हो गई, तो अब आपको टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो आप पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, और आपको नहीं पता होगा कि एनवायरमेंट में टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, तो अल्टीमेटली लॉस आपका होगा. तो दिस इज व्हाट फैक्टर्स, फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं. इंडिविजुअल्स, कस्टमर्स, कस्टमर्स भी तो आपका एनवायरमेंट है, कंज्यूमर्स आपका एनवायरमेंट. ठीक है, कंज्यूमर्स को अगर कोई चीज, अगर कंज्यूमर्स जो है अगर आपका बिजनेस में परचेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस में फायदा है, अगर कंपेटिटर को डाइवर्ट हो गए तो आपके बिजनेस का नुकसान है. लाइकवाइज सप्लायर्स आल्सो इंडिविजुअल्स हो गए, फिर इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास कर दिया जिस पर का इंपैक्ट आपके बिजनेस पे डायरेक्टली हो रहा है, तो दीज आर द थिंग्स. ठीक है, एग्जांपल देख लिया, फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है, फैक्टर्स मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है, इंडिविजुअल्स आपके सप्लायर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, या तो आपके जो है कस्टमर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस में भी बैंक आ जाएगी, आपके बैंक ने कुछ नई पॉलिसी निकाल दी जिस पर आपका, जिसका आप पर नेगेटिव इंपैक्ट है, या गवर्नमेंट ने कुछ किया है, तो दीज आर द फैक्टर्स. ये सब क्या है, ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस पर क्या डालती है, असर डालती है, इंपैक्ट डालती है. ठीक है, ऑल नो दीज एनवायरमेंट फोर्स एक्सिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइज बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइज. हालांकि ये सारी चीजें बिजनेस के बाहर चलती है, क्योंकि ये सब चीजें बिजनेस के अंदर नहीं है, जो फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की बिजनेस के बाहर चल रही, बिजनेस के अंदर नहीं चलता. टेक्नोलॉजी का फोर्स, नई टेक्नोलॉजी बाहर से अपग्रेड होती है बिजनेस का, उसका कोई मतलब नहीं. इंडिविजुअल्स, सप्लायर्स और कस्टमर बाहर है, एम्प्लॉयज नहीं है. ठीक है, वो हो गए. इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जो है बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर है. तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती है, और ये बाहर आउटसाइड ऑपरेट करती है बिजनेस पर, लेकिन इनका इंपैक्ट पूरा पूरा आता है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो एक्सपेंसिव हो जाएंगी चीजें बाय करना, फैशन में चेंज हो गया, कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो गया, तो आपको पता होना चाहिए ये फैक्टर आपके कंट्रोल के बाहर है, यू शुड नो अबाउट इट. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट कैसा दिखता है. ठीक है, चलो, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर, तो सबसे पहला फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. सबसे पहले चीज है बिजनेस का है सारा आउटसाइड, मतलब इट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के कंट्रोल के बाहर की जो चीजें हैं वो होती है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट. तो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर, दैट इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइज. ये बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आती है, सारी चीजें आती है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स और फोर्सेस, जो बिजनेस के बाहर होती है, बिजनेस के कंट्रोल के भी बाहर ही हैं. ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस.
And now business environment include both specific and general force. The specific force affect the business environment directly and immediately into their day-to-day working. These include suppliers, investor, customers. General forces are social, political, legal, technological condition, have impact on all the enterprises and affect all the firms only indirectly. Ab business environment ke forces bhi do tarike ke hote hain. Kaun kaun se hote hain? Ek hote hain specific aur ek hote hain general. Theek hai? Jaise ki forces dekhe jaye. BE मतलब मेरा मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्सेस मतलब होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट की फोर्सेस है, दो तरीके की है, एक हो गई आपकी स्पेसिफिक, ठीक है, एक क्या है, एक है आपकी स्पेसिफिक, एंड सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फोर्सेस जनरल फोर्स. अब व्हाट हैपेंस इन इंटर स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स में क्या होता है, स्पेसिफिक फोर्स डायरेक्टली वन ऑन वन बिजनेस को हैंडल करती, वन ऑन वन बिजनेस को इंपैक्ट डालती है, ठीक है. मतलब जो स्पेसिफिक फोर्सेस है, जैसे कि कस्टमर, कस्टमर आपके इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बिजनेस पे जो इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्स, उनको कहां रखा गया, स्पेसिफिक में. इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स आपके हैं, इन्वेस्टर्स आपको स्पेसिफिक फोर्स डालते हैं, ठीक है. उसके बाद बैंकर्स हैं, तो बैंकर्स आपके बैंकर्स हैं, वो आपके बिजनेस पर स्पेसिफिकली फोर्स डालेंगे. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, कंज्यूमर आपका ही कंज्यूमर है, इंडिविजुअल बिजनेस का कंज्यूमर होता है. सप्लायर, सप्लायर इंडिविजुअल बिजनेस का सप्लायर होता है, ठीक है. बैंकर, बैंकर इंडिविजुअल बिजनेस का जो है पर्सन होता है. तो दिस आर द फोर्सेस दैट इंपैक्ट द बिजनेस इंडिविजुअली. इंडिविजुअल बिजनेस को, स्पेसिफिक वन ऑन वन बिजनेस को जो इंपैक्ट डालते हैं वो स्पेसिफिक फोर्स हो गए. जनरल फोर्सेस जो ओवरऑल बिजनेस मार्केट पर इंपैक्ट डालते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बेटा किसी एक बिजनेस के लिए नहीं बनाई जाती, गवर्नमेंट की पॉलिसी ओवरऑल मार्केट के लिए बनाई जाती है. तो ये पूरे ओवरऑल मार्केट को इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बदलती है, टेक्नोलॉजी पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरे बिजनेस मार्केट के लिए बदलती है. तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, कि जो ओवरऑल सारे बिजनेस पर इंपैक्ट डालेगा, लेकिन स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल वन ऑन वन बिजनेस पर ही इंपैक्ट डालता है, ठीक है. कंज्यूमर डिमांड, वन मिनट, कस्टमर डिमांड, कस्टमर की डिमांड जो है, पूरे डिमांड और सप्लाई पूरे मार्केट पर इंपैक्ट डालता है, ना कि एक पर्टिकुलर बिजनेस पे. तो स्पेसिफिक फोर्सेस में वो फोर्स आएंगे जो एक वन ऑन वन इंडिविजुअल बिजनेस पर इंपैक्ट डालता है, और जनरल फोर्सेस में वो सारे ओवरऑल फोर्सेस हम स्टडी करते हैं जो ओवरऑल मार्केट पर, ओवरऑल बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है. आया समझ में? तो ये लिखे हैं दो चीज, दो टाइप के फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल. स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल बिजनेस पर इंपैक्ट डालता है, जनरल पूरे मार्केट पर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है. तो हमने दो फीचर्स पढ़ लिए, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इंटर रिलेशन. ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, विद इंक्लाइनेशन ऑफ यू टुवर्ड द वेस्टर्न, द डिमांड फॉर द फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग. अब जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े, दे ऑल आर समवॉट इंटर रिलेटेड. सारी ही चीजें जो है इंटर रिलेटेड होते हैं, सारे बिजनेस के जो फोर्स, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस है, फैक्टर्स है, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. अब कैसे इंटर रिलेटेड है, देखो एक एग्जांपल तो यहीं पे दिया हुआ है कि जैसे कि अगर जो यूथ है, यूथ क्या कर रही है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रही है, तो इसका इंपैक्ट, ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है कि आपके जो कस्टमर्स है, कस्टमर का जो झुकाव है वो थोड़ा सा कहां हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हो रहा है. तो इसका इंपैक्ट दो जगह पड़ेगा, एक तो उनकी क्लॉथिंग स्टाइल की डिमांड बदल जाएगी, उनकी जो क्लॉथ की डिमांड थी पहले इंडियन थी, अब उनकी वेस्टर्न डिमांड हो जाएगी. दूसरी चीज, उनका टेस्ट बदल जाएगा इन टर्म्स ऑफ फूड. पहले वो फूड कुछ और डिमांड करते थे, अब वो फूड कुछ और डिमांड करेंगे, दैट इज वेस्टर्न, ठीक है. तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं फैक्टर्स. अब नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो लाइक कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, ठीक है, फैक्टर क्या है, फैक्टर इज द चेंज इन द टेक्नोलॉजी.
तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण प्रोडक्ट अपग्रेड हुए, तो कस्टमर की डिमांड में भी क्या आएगा? चेंज आएगा, कस्टमर की डिमांड भी अलग हो जाएगी। अगर कस्टमर को मार्केट में नया देखा, टेक्नोलॉजी के आने से जो प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उन्होंने कुछ इनोवेशन बनाई, कुछ इनोवेशन किया, कुछ नया इनोवेटिव मार्केट में लेकर आए, ठीक है। फैक्टर क्या है? फैक्टर है आपका क्या? फैक्टर है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करके इनोवेशन किया, तो उस नई फैक्टर से, उस नई इनोवेशन से क्या हुआ? कस्टमर की डिमांड में चेंज आ गया, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आ गया, अब कस्टमर इनोवेटिव चीज को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो दो फैक्टर्स रिलेट हो गए कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण कस्टमर की डिमांड और फैशन में भी चेंज आ गया। सो सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपको इंटर रिलेट करते दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी, थर्ड पॉइंट क्या था? इंटर रिलेटेडनेस। हम नाउ लास्ट सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल इन आईटी फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। और नेक्स्ट थिंग इज कि आप अनप्रेडिक्टेबल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, बहुत सारी चीजें अनसर्टेन होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। आपको नहीं पता कि आज आप सो रहे हो तो कल टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ जाएगा, कल कस्टमर की डिमांड कहां बदल जाएगी, ठीक है। तो बहुत तेजी से बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो काफी अनसर्टेन है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। आप जैसे कि आईटी सेक्टर में देख लो, तो आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं, ठीक है, रातों रात चेंजेस हो जाते हैं, तो बहुत अनसर्टेन है। रात में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा, और नेक्स्ट डे कुछ चेंज आ गया, तो हाउ इट इज लाइक के ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक का मतलब कीप चेंजिंग, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? डायनामिक मींस कीप चेंजिंग। तो जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और कंटिन्यू क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं रहता। जैसे आज बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ भी है तो ये परमानेंट नहीं है, नेक्स्ट पल बदल जाएगा आपको नहीं पता, ठीक है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है। इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज व्हाई एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, कंटिन्यू बदलता रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूअसली इन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते रहे, देखते रहे कि क्या आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्या नया है और क्या अपग्रेडेशन आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अनसर्टेन है मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, डायनामिक है, चेंज बहुत स्पीडली होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज सो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा डिफिकल्ट है समझना, बड़ा जटिल है, ठीक है। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझ सकते, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज, ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। समटाइम द चेंज मे बी माइनर बट इट मे माइट हैव लार्ज इंपैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% मे इफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, समझना बड़ी दिक्कत की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा चेंज बड़ा इंपैक्ट डाल देता है, एक छोटे से चेंज का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने मात्र 5% टैक्स बढ़ा दिया, अब कितना सा छोटा सा ही तो टैक्स बढ़ा है 5%, बट इस छोटे से चेंज के कारण जो कंपनीज हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको बड़ा फायदा हो सकता है, मतलब कंपनी पर बड़ा प्रेशर, बड़ा चेंज आ सकता है ड्यू टू द चेंज इन दिस फैक्टर, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा, मतलब मैंने ये भी पॉइंट पढ़ा ना इंटर रिलेटेड, कि एक चेंज से दूसरे, मतलब एक फैक्टर को बदलने से दूसरे फैक्टर पर इंपैक्ट आता है, ठीक है। तो ये क्या है? इंटर रिलेट है, इसी के कारण ये कॉम्प्लेक्स भी है, इसको समझना बड़ा जटिल है, बड़ा दिक्कत वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएसए एंड यूके।
some conditions, same condition in the environment may have different effect on different enterprises. For example, when customer organization found in pesticide and cold drink, it came as a constant for cold drink industry, but it was opportunity for juice industry. और ये रिलेटिविटी है. रिलेटिविटी मतलब रिलेट करता है, मतलब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन है. ठीक है, जैसे कि किसी बिजनेस, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हर कंट्री का अलग होता है, हर एक रीजन का अलग होता है, हर सोसाइटी का अलग होता है. ठीक है, तो रिलेटिव है. कुछ चीजें का, कुछ चेंजेस का पॉजिटिव इंपैक्ट एक जगह आ सकता है, सेम चीज का नेगेटिव इंपैक्ट दूसरी जगह भी आ सकता है. तो इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्या है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में जैसे साड़ी है, तो साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है, वही यूएसए यूके में इसकी डिमांड बिल्कुल जीरो होगी. ठीक है, और एक चेंज, एक छोटे से चेंज, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो पेस्टिसाइड में, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर रही है, तो गवर्नमेंट ने उन पर कुछ आरोप लगाया या उन पर कुछ एक्शन लिया, तो ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज. अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री पे जाएगा, बट यही अपॉर्चुनिटी जूस इंडस्ट्री के लिए, जूस इंडस्ट्री के लिए तो अपॉर्चुनिटी है. जूस इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट कर सकती है. ठीक है, अपने हाइजेनिक और अपना जो प्योरिटी है प्रोडक्ट की, वहां ये सिचुएशन पे प्रूव कर सकती है. तो बेसिकली जो बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है, ये रिलेटिव कंसेप्ट है. ठीक है, मतलब एक चीज का इंपैक्ट जो है सब जगह यूनिवर्सल नहीं रहेगा. ठीक है, इट इज अपोजिट टू यूनिवर्सल. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी से अपोजिट है, वाइस वर्सा है. ठीक है, यूनिवर्सल है अगर चेंज हो रहा है, यूनिवर्सल है तो ये सब जगह एकदम सेम टाइप का चेंज होगा. लेकिन वही अगर ये रिलेटिव कंसेप्ट है तो ये एरिया वाइज डिपेंड करेगा, डिफर करेगा. ठीक है, सो इट इज व्हाट रिलेटिविटी. ठीक है, तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या क्या देखा? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक जनरल फोर्स होते हैं, इंटर रिलेशन होता है. एक इंपैक्ट, मतलब एक फैक्टर का इंपैक्ट दूसरे फैक्टर पर भी हो जाता है. अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता अगले पल क्या बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाएगा, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल होता है. डायनामिक होता है, तेजी से बदलता है, बहुत तेजी से बदलता है. कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या हो जाएगा, और एक इंपैक्ट से दूसरा इंपैक्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिविटी डिपेंड करता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपैक्ट के. किसी के लिए पॉजिटिव तो वही उसी के लिए नेगेटिव हो जाता है. डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, एरिया वाइज डिपेंड करता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिलेटिव कंसेप्ट. ऑलराइट, चलो तो अब हमने क्या देख लिया? फीचर्स देख लिए और हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देख ली. चलो अब देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना चाहिए और क्यों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर कोई भी बिजनेस फर्म अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के रेगुलर स्कैनिंग करती है, रेगुलर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस पर नजर रखती है, तो क्या फायदा है बिजनेस एनवायरनमेंट को, मतलब क्या फायदा है उस कंपनी को? ठीक है, उस बिजनेस को, उस कंपनी को फायदा ये है कि उनको पहला मौका मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी वही उठा पाएंगे. ठीक है, जिन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट के फ्यूचर इंपैक्ट को देख लिया. सपोज मेरी एक कंपनी है, आई एम द मैनेजर. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मेरा काम है स्कैन करने का, बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं कंटिन्यू स्कैन करती रहती हूँ. इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सारे फैक्टर्स को मैं देख रही हूँ. अब होने क्या वाला है? हो रहा है, इलेक्शन का समय आ रहा है. इलेक्शन के समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारी जो सरकार है वो बदल जाएगी. जो सरकार होती है उनकी अपनी पॉलिसीज होती है, अपनी जो उनकी फिलोसफीज होती है. कुछ गवर्नमेंट जो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करती है, कुछ जो गवर्नमेंट होती है, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में होती है. अब मुझे लग रहा है कि अभी तक जो गवर्नमेंट, मतलब अभी तक जो गवर्नमेंट चल रही थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को के लिए स्कीम्स और पॉलिसीज फॉर्म कर रही थी. अब मुझे क्या लग रहा है? अब मुझे ये लग रहा है कि जो नई गवर्नमेंट है, इलेक्शन का टाइम हो रहा है, नई गवर्नमेंट आएगी, अब मुझे ये लग रहा है कि जो नई गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में डिसीजन लेगी. ठीक है, तो
तो मैंने उनकी पॉलिसीज के बारे में सुना कि वो क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं, क्या वो उनके वादे हैं, और उस हिसाब से मैंने क्या किया है, अपने प्लान्स रेडी कर लिए. ठीक है, मुझे पता है कि मुझे नया प्लांट सेटअप करना है तो मुझे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो हो सकता है गवर्नमेंट मुझे टैक्स रिलैक्सेशन दे दे. तो मैंने अपना पूरा प्लान रेडी कर लिया. मुझे पता है गवर्नमेंट फ्यूचर में टैक्स रिलैक्सेशन देगी या मुझे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करने के लिए. तो मैंने क्या किया, मैंने अपना प्लान रेडी कर लिया अपना नया ब्रांच सेटअप करने का. ठीक है, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, सबसे पहले गवर्नमेंट ने जैसे अपनी पॉलिसी निकाली सब्सिडीज अलॉट करने की, मैंने तुरंत अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लिया. तो दिस इज व्हाट कि मैंने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली मैंने. ठीक है, नया प्लांट सेटअप करने की फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसे ही सिचुएशन मेरे फेवर में आई तुरंत मैंने एक्शन लिया. अब बाकी जो फर्म्स है जिन्होंने बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग नहीं की होगी, वो क्या कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे और फिर जैसे चेंज हुआ फिर उस हिसाब से वो एक्शन ले रहे होंगे, तब तक मेरा काम हो चुका. So this is the importance of business environment. ठीक है, scanning of business environment. The business environment who are able to understand and scan the opportunity of business environment at early stage, they get maximum benefit or they can capture the big share in the market. ठीक है, जो regularly business environment की scanning करते हैं businessmen, जो पहले से नजर रखते हैं business environment पे, उनके लिए ये फायदा है कि उनको opportunity मिल जाती है पहले ही और वो big share market का पहले ही capture करने में capable होते हैं. They can go much ahead of their competitors, अपने competitors से आगे निकल सकते हैं. जैसे कि एक example दिया है, Maruti was the first company to recognize the need for the small car in the environment of rising petrol prices and large middle classes population in India, so that they can leader in the small car market. Same way, WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterward, many other applications came, but still WhatsApp is number one in the mobile chat. जैसे कि एक example लेते हैं, WhatsApp तो को तो सभी जानते हैं. ठीक है, व्हाट्सएप के पहले आने से लोग क्या करते थे, टेक्स्ट मैसेजेस करते थे. ठीक है, अब हर कोई इंसान बात नहीं कर सकता. ठीक है, बात नहीं कर सकते तो वो अपना कन्वर्सेशन क्या करते थे, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू करते थे. तो व्हाट्सएप में पहला ऐसा मतलब पहली ऐसी ऐप है जिसने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन किया और उनको पहली बार बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करके उनको कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया. पहली ऐसी मोबाइल ऐप है जिसने मैसेजेस की मैसेज एप्लीकेशन बनाया. ठीक है, इसके बाद तो बहुत सारी एप्लीकेशन आई लेकिन अभी भी व्हाट्सएप इज द नंबर वन, अभी भी व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर है. ठीक है, इसी तरीके से मारुति का एग्जांपल दिया है. मारुति पहली कंपनी है जिसने इंडियन मार्केट में मतलब जो कस्टमर है उनकी स्मॉल कार्स की डिमांड को फील किया, महसूस किया और उन्होंने उसको एडवांटेज के फॉर्म में नई कार्स लॉन्च की. अभी भी मारुति सुजुकी सबसे फर्स्ट नंबर पर चलती है. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग. ठीक है, कि आपको बिजनेस एनवायरमेंट को समझने के बाद अपॉर्चुनिटी जो भी सामने दिख रही है वो आप ग्रैब कर सकते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी बन सकते हो, मार्केट का बड़ा शेयर जो है अपने साथ ले सकते हो. नेक्स्ट, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स. अब जहां आपको बिजनेस एनवायरमेंट करने पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एक रास्ता दिखाई दे रहा है, एक नया चैलेंज दिखाई दे रहा है, वहीं पे हो सकता है कि आपको थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स भी समझ में आए. ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नई गवर्नमेंट आ गई, आपको समझ में आ रहा है कि अभी गवर्नमेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि किस गवर्नमेंट की पावर में आने के चांसेस हैं और आपने समझ लिया कि ये जो गवर्नमेंट आएगी ये आगे जाके टैक्स बढ़ाएगी. तो आपने पहले ही समझ लिया कि अगर टैक्स बढ़ा देगी तो हमारी प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा, हमें आउट ऑफ प्रॉफिट जो है टैक्स देना पड़ेगा. तो उन्होंने पहले से अपनी कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी, अपना प्लान उस तरीके से रेडी कर लिया ताकि आगे आके जो उन्हें प्रिडिक्शन था गवर्नमेंट चेंज हुई तुरंत टैक्स बढ़ाए उन्होंने, वो उनके पास प्लान रेडी था, उन्होंने पहले ही अपनी कॉस्ट कटिंग कर ली, तो जितना नुकसान हुआ अदर फर्म्स को उतना नुकसान इनको नहीं हुआ. ठीक है, तो वही होता है कि आगे आने वाली जो भी आपके थ्रेट्स हैं, जो भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं, वो आप अर्ली स्टेज पर रिकॉग्नाइज कर लेते हो और उसके बेसिस पर अपना प्लान पूरा रेडी कर लेते हो, अपनी मेंटालिटी अपने फर्म को रेडी कर लेते हो ताकि आपको जो आगे आने वाले नुकसान है वो कम से कम हो. ठीक है, वही है. तो बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट ऑन द टाइम गेट वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्टेंट एंड नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट. उन्हें समय मिल जाता है. ठीक है, और जो लोग बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग नहीं करते, जो बिजनेस एनवायरमेंट पर नजर नहीं रखते और सडनली गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो तुरंत उनको नुकसान होता है और उनको रेडी होने का समय नहीं मिलता है और उन्हें बड़ा सा जॉल्ट लगता है, झटका लगता है. ठीक है, टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बिजनेस गेट इज
get is taken as warning signals and changes in the companies are made. पहले से warning signals को ध्यान में रख के अपने changes पहले ही बना लो तो नुकसान उतना नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज. ठीक है, और नेक्स्ट बहुत बड़ा जो फायदा है वो आप रिसोर्सेज जो भी है उनको टैप कर सकते हो, पहले ही असेंबल करके रख सकते हो. सो बिजनेस एनवायरमेंट हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. टू सप्लाई द आउटपुट दे नीड इनपुट मटेरियल लाइक रॉ मटेरियल एसेट्रा. दे कैन एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द environment. They select the resource according to the availability environment and demand of the output in the environment. For example, with the demand of LED 3D TV manufacturers are collecting resource necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV or flat screen TV etc. अब देखो, हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ ना कुछ बनाती है और कुछ ना कुछ बनाने के लिए उनको इनपुट्स लगते हैं जिससे वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि अब कस्टमर की जो डिमांड है वो बदलने वाली है. ठीक है, क्या बदलने वाली है? सपोज पहले कस्टमर कीपैड फोन चलाते थे, अब कस्टमर की स्मार्टफोन की डिमांड आ रही है. कस्टमर स्मार्टफोन जो है डिमांड कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले समय में ज्यादातर कस्टमर स्मार्टफोन ही खरीदेंगे rather than keypad. तो आपने अभी से at present आपने जो resources लगने वाले हैं आपको उस smartphone को manufacture करने के लिए आपने अभी से उसको assemble करना शुरू कर दिया ताकि जब competitors या आपके जो भी other factories हैं वो जब resources को tap करें, वो जब resources को जो है assemble करें, उससे पहले आपके resources ready रहें, कहीं कमी ना पड़ जाए उन resources की. ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड अवेलेबल होते हैं नेचर में. तो आपने क्या किया, आपने पहले से रिसोर्सेस की तैयारी कर ली, आपने पहले से रिसोर्सेस को टैप करके रख लिया और जैसे ही डिमांड बदली आपने तुरंत अपने रिसोर्सेस का यूज करके स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. आपको पता है फ्यूचर में ये होने वाला है तो आपने उसके लिए पहले से ही रेडीमेड प्लान बना लिया और उसको उसमें यूज आने वाले जो रिसोर्सेज है पहले से ही खरीद के सस्ते दाम में रख लिए, क्योंकि आगे जाने में अगर डिमांड बढ़ेगी उन रिसोर्सेज की तो उनके रेट भी बढ़ जाएंगे और रेट बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान होगा. तो आपने कम रेट में पहले ही अपने रिसोर्सेज टैप करके रख लिए. तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प इन टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस. टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस. सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एट अर्लीस्ट पॉसिबल. बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन एनवायरमेंट स्कैनिंग. बिजनेस मेक इन द इंटरनल एनवायरमेंट सो टू मैच द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. सो द बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प इन द कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस. अब बिजनेस एनवायरमेंट में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं, मैंने बताया डायनामिक है बिजनेस एनवायरमेंट का नेचर, मतलब कीप चेंजिंग, बदलता रहता है, अनसर्टेन है, प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और रिलेटिव में एक चीज का इंपैक्ट दूसरे पर भी हो जाता है. ठीक है, तो आपको ने अगर बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग आप पहले से कर रहे हैं, आपने बिजनेस एनवायरमेंट पे नजर रखी हुई है, आपको पता है बिजनेस एनवायरमेंट पे आपके जो चेंजेस हैं क्या आएंगे, तो आप अगर पहले से आप रेडी, अगर आपने स्कैनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आप पहले से रेडी रहेंगे उन चेंजेस को फेस करने के लिए और अपने इंटरनल एनवायरमेंट में भी पहले से चेंज कर लेंगे. ठीक है, सपोज गवर्नमेंट, आपको प्रेडिक्शन था कि गवर्नमेंट आगे जाके टैक्स बढ़ा देगी, तो आपने अभी से अपने आपको उस तरीके से तैयार कर लिया, कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर दी, पहले से अपने धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट हुई जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं आया और आपको इनफ टाइम मिल गया चेंजेस में एडजस्ट करने के लिए. लेकिन जिन जो फर्म्स अपने बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग स्ट्रांग नहीं रखती है, उनको एट लास्ट मोमेंट पे पता चला और उनको अपना प्लान रेडी करने के लिए समय नहीं मिला और अल्टीमेटली एक्सटर्नल एनवायरमेंट का इंपैक्ट उनके बिजनेस परफॉर्मेंस पर होगा. ठीक है, तो कोई भी बड़ा बदलाव के लिए आपको चेंज के लिए थोड़ा सा समय लगता है. ठीक है, कोई भी बड़ा आप कहीं नई जगह जाते हो, चेंज आया तो आपको वहां अडेप्ट करने में, एडजस्ट होने में समय लगता है. ठीक है, तो चेंज को एक्सेप्ट करने में क्या चाहिए, समय चाहिए. तो आप बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग करेंगे तो आपको वो समय मिल जाएगा क्योंकि आप एंटिसिपेट कर लेंगे फ्यूचर चेंजेस और वो समय के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे. लेकिन अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं करेंगे तो आपको वो समय नहीं मिलेगा और आप अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली नुकसान होगा आपकी फर्म पर. ठीक है, तो वही है कि ये आपको एडजस्ट और अडॉप्ट करने में का समय दे देता है बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग. ठीक है,
नेक्स्ट असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बिजनेस हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हैं. ठीक है, प्लानिंग हमेशा बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करने के बाद ही करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस आ गए बिजनेस एनवायरमेंट में तो आपको प्लानिंग वापस से बदलनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा जो है क्योस हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में. तो हमेशा बिजनेस मतलब प्लानिंग करने से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट जरूर करें, पॉलिसी बनाने से पहले, स्ट्रेटेजी फॉर्म करने से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूर करें, ताकि आपका जो प्लान है वो मैच हो जाए फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट से. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करता है प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग और अच्छी पॉलिसी बनाने के समय. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Next is improvement in the performance. With continuous scan of the business environment, the company can easily improve their performance by making change in the internal environment, matching to the external environment. Organization can prosper and improve the market share. अगर आप प्रॉपर मार्केट मतलब बिजनेस में स्कैनिंग करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, तो आपको फ्यूचर चेंजेस के बारे में पता चल जाएगा. फ्यूचर चेंजेस के हिसाब से आप इंटरनल अपना एनवायरनमेंट जो है इंप्रूव कर लेंगे, और इंटरनल एनवायरनमेंट इंप्रूव करने पर क्या होगा, बेसिकली आपको नुकसान नहीं होगा और आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, फ्यूचर परफॉर्मेंस भी आपकी उतने ज्यादा नुकसान में नहीं रहेगी जितनी अदर बिजनेस फर्म कंपटीटर्स की रहेगी. तो अल्टीमेटली जो बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग है वो क्या मदद करती है, आपकी फर्म्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करती है, नुकसान से बचाती है आपको बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग. ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग आप समझ रहे हो ना, बिजनेस एनवायरमेंट आपने देख लिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं और उन पर निगरानी रखना, उसको कंटिन्यू स्कैन करना, हर बार टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमेशा अपग्रेड रहना, चेंजेस के बारे में पता रखना, अप टू डेट रहना, ये बिजनेस एनवायरमेंट हो गई, स्कैनिंग हो गई इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. गवर्नमेंट बदल रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट ने कहां पे क्या फैसला लिया, सब चीज पर निगरानी रखना, सब चीज को ध्यान से मतलब दिमाग में रखना और उसका इंपैक्ट बिजनेस पर, बिजनेस पे प्रिडिक्ट करना इज ऑल द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग. तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग इसके जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान रखना, निगरानी रखना, कंटिन्यू देखना और उसका इंपैक्ट बिजनेस पे क्या आने वाला है इसका ध्यान रखना इज बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग. ठीक है, चलो सो Now we are done for the day. In next class, we are going to solve some questions on the basis of the today's topic, and we'll start new topic in next class. That is the elements of business environment. All right? Okay. So an important thing is please subscribe our YouTube channel. Press bell icon as well so that you can get notification. जब भी कोई video upload होगी, जब भी कोई live class होगी, तो आपको उसकी notification मिल जाएगी. और Pradis Education को आप Facebook पे follow कर सकते हैं, Instagram हमारा page है, वहाँ पे भी आप follow कर सकते हैं. ट्विटर पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है. ठीक है, और अरी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको कांटेक्ट करना है, तो दिस इज द कांटेक्ट नंबर, आप इस कांटेक्ट नंबर पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए, सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.